जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बुरी खबर। बब्बर शेर सिद्धार्थ की भी मौत हो गई है। रात करीब 3 बजे बब्बर शेर सिद्धार्थ की मौत हुई। 2 दिन में एक बाघ और एक शेर की मौत हुई। बेहद दुखद ये बुरी खबर। रात करीब 3 बजे बब्बर शेर सिद्धार्थ की मौत हुई। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, ये बहुत बुरी खबर आ रही है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से। रात को करीब 3 बजे बब्बर शेर सिद्धार्थ की मौत हुई, क्या अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल मनीषा, देखिए नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लगातार दूसरे दिन ये दूसरी मौत है। बिल्कुल, जहां बीते दिन सावक रुद्र की मौत हुई थी, तो आज नर शेर सिद्धार्थ की मौत हो गई है, जिसमें लेप्टोस्पायरोसिस नामक बीमारी की बात कही जा रही है। यह बीमारी चूहे और नेवलों की जो मलमूत्र होता है उसके द्वारा पेट में पहुंच जाता है, जिसके चलते जो जानवर होता है उसके पहले किडनी खराब होती है, फिर लीवर खराब होता है, उसके बाद वो खाना छोड़ता है और फिर उसके बाद पानी पीना भी वो खत्म कर देता है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। कहीं ना कहीं जो अभी बीते 10 महीनों की बात करी जाए, तो ये 5वीं मौत है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, जो की एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि इसको देखा जाए तो 10 महीने पहले 19 सितंबर को शेरनी सुजान की, 21 को शावक रिद्धि की और 26 को सफेद बाघिन सीता की भी मौत हुई थी। इसमें कई में ये लेप्टोस्पायरोसिस नामक बीमारी को भी देखा गया था। तो कहीं ना कहीं जो वन विभाग है, जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, उन पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। जी मनीषा, देखिए सवाल तो ऋषभ बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि जब आपने कहा किडनी पहले खराब होती है, उसके बाद जानवर पानी पीना और खाना छोड़ता है, तो इस चीज की भनक तो उन्हें लगी होगी, क्योंकि लगातार ये भी है कि जो जानवर है उनकी देखरेख लगातार की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जो शावक रुद्र था उसकी जब कल मौत हुई थी, तो उसके बाद ये बात सामने निकल कर आई थी कि सिद्धार्थ की भी तीन चार दिन से तबीयत खराब चल रही है, जिसके बाद जो उसकी जांच रिपोर्ट थी वो बरेली भेजी गई थी। इसके बाद ये बात चल रही थी कि जो रुद्र है और उसमें भी लेप्टोस्पायरोसिस निकली थी, और कहीं ना कहीं जो लक्षण थे वो सिद्धार्थ में भी देखे जा रहे थे, और साफ तौर पर ये चल रहा था कि सिद्धार्थ की हालत जो है नाजुक बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न उठता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ बीते 10 महीनों में ऐसे ये 5वीं मौत है और उसमें से 4 जानवरों में लेप्टोस्पायरोसिस नामक बीमारी देखी गई है, और कहीं ना कहीं जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है वहाँ चूहे तो नहीं, लेकिन जो अभी हमारे पास खबर आई है उसमें वहाँ पर जो चूहे के अलावा जो वहाँ जानवर हैं उनकी जो बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें नेवला सबसे ज्यादा वहाँ देखा जा रहा है, जो मलमूत्र है उसके जरिए ये पेट में पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों पर और वन विभाग के कर्मचारियों पर सवाल उठता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर जब अभी जो पार्क के ऊपर चल रहा था उसमें ये साफ तौर पर था कि टाइगर सफारी को शुरू किया जाएगा, लेकिन 18 महीने पहले जो शावकों को रंभा ने जन्म दिया था, उसके बाद रंभा की मौत हुई, उसके बाद जो बेटी जो शेर हुई थी, बाघिन हुई थी, रिद्धि की मौत, और कल रुद्र की भी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो टाइगर सफारी का सपना चल रहा था वो भी चूर होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।